नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने किया सूर्यधार का लोकार्पण, 19 गांवों को मिलेगी पेयजल की सुविधा। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट से एक है ठीक। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान पर प्रतिबंध, बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड आ रहे 2000 से ज्यादा वाहनों को पुलिस ने बॉर्डर से लौटा दिया। गुरु नानक का 551वां प्रकाश पर्व आज, रोशनी में डूबे देश भर के गुरुद्वारे। गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और कथा प्रवचन के साथ होंगे धार्मिक अनुष्ठान। बद्रीनाथ मंदिर के 70 मीटर दायरे से हटेंगे निर्माण, आस्था पथ और मंदिर परिसर के कायाकल्प पर फोकस। लगातार जारी कोरोना का कहर, एक दिन में मिले 389 नए संक्रमित, आज की मौत, मरीजों की संख्या 74,000 के पार। साल 2020 का आखिरी चंद ग्रहण आज, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका समेत एशिया के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा चंद ग्रहण, भारत में नहीं आएगा नजर। की न्यूज खबरों का साथ। और बड़े की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज बैठेंगे उपवास पर। किसानों के समर्थन में करेंगे सांकेतिक उपवास, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हरीश रावत का प्रदर्शन। किसान आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज से जताई नाराजगी, बड़ी खबर देहरादून से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज उपवास पर बैठेंगे। किसान आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज से उन्होंने नाराजगी जताई अपने आवास और सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। किसान आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज से नाराज हैं हरीश रावत, बड़ी खबर देहरादून से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज बैठेंगे उपवास पे, किसानों के समर्थन में करेंगे सांकेतिक उपवास, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हरीश रावत का सांकेतिक प्रदर्शन। आज सुबह 10:30 बजे उपवास पर बैठेंगे पूर्व सीएम, बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज बैठेंगे उपवास पर। किसान आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज से नाराजगी जताई हरीश रावत ने अपने आवास पर, सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। किसान आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज से नाराज हैं हरीश रावत। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शपथ लेंगे आज नई दिल्ली में, राज्यसभा प्रांगण में लेंगे शपथ। उपराष्ट्रपति व सभापति राज्यसभा वेंकैया नायडू दिलाएंगे शपथ, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल आज दिल्ली में शपथ लेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल लेंगे शपथ आज नई दिल्ली में, राज्यसभा प्रांगण में उनके द्वारा शपथ ली जाएगी। उपराष्ट्रपति व सभापति राज्यसभा वेंकैया नायडू दिलाएंगे शपथ, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल आज शपथ लेंगे दिल्ली में, राज्यसभा प्रांगण में लेंगे शपथ, बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद
नरेश बंसल आज शपथ लेंगे, आज नई दिल्ली में राज्यसभा प्रांगण में लेंगे शपथ। उपराष्ट्रपति व सभापति वेंकैया नायडू शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल आज शपथ लेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल आज लेंगे शपथ नई दिल्ली में राज्यसभा प्रांगण में लेंगे शपथ। बता दें उपराष्ट्रपति व सभापति राज्यसभा वेंकैया नायडू दिलाएंगे शपथ। कार्तिक पूर्णिमा आज है, ज्वाहर की पौड़ी समेत कई गंगा घाटों में स्नान पर रोक लगा दी गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान पर प्रतिबंध के चलते बाहरी प्रदेशों से 2000 से अधिक वाहनों को पुलिस ने बॉर्डर से ही लौटा दिया। इन वाहनों में सवार लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश आना चाहते थे और इस दौरान यात्रियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश में आने की अनुमति दी गई जो अस्थि विसर्जन या फिर किसी जरूरी काम से आ रहे थे। राज्य के लोगों को उनकी आईडी की जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा आज, बाहरी प्रदेशों से आए 2000 से ज्यादा वाहनों को बॉर्डर से लौटा दिया गया। तीखी नोकझोंक भी बॉर्डर पर यात्रियों और पुलिसकर्मियों के बीच देखने को मिली और उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया गया जो अस्थि विसर्जन या फिर किसी जरूरी काम के लिए हरिद्वार हरि की पौड़ी आना चाहते थे। बाकी 2000 गाड़ियों को वापस लौटा दिया गया। और इसी बीच आपको उत्तरकाशी से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, विवादों में जिला पंचायत उत्तरकाशी। जिला पंचायत उत्तरकाशी में मचा बड़ा हड़कंप। सामने आए थी वित्तीय अनियमितताएं होने की शिकायत। एक वर्ष के कार्यकाल में जिला पंचायत में गड़बड़ी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिए जांच के आदेश। मामले की टीम गठित करवाकर की जा रही जांच। जिला पंचायत के कार्य योजनाओं की लिस्ट हुई तैयार। धरातल पर योजना का ना होने से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है जो गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को है, यानी कि आज के दिन। इस दिन दान और गंगा स्नान का खास महत्व माना गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 591वीं जयंती भी मनाई जा रही है। नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म में गुरु पर्व का बहुत महत्व है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाई जाती है। प्रकाश पर्व के दिन सभाओं में गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब पाठ किया जाता है। गुरु नानक जयंती के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला देखा गया। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में दीप और मोमबत्तियां जलाकर गुरु के लिए अरदास लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं में कोरोना संकट का डर नहीं दिखा। बता दें कि ये पहली बार है जब गुरु नानक जयंती कोरोना संकट के बीच पड़ी है।
कुंभ मेला नजदीक आते ही मेला प्रशासन द्वारा तमाम कार्यों को आखिरी रूप देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कुंभ कार्यों की गुणवत्ता के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत द्वारा अपन मेला अधिकारियों के नेतृत्व के कई टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा तमाम मेला क्षेत्र में हो रहे कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की जा रही। देखिए रिपोर्ट। आस्था पथ की ही तर्ज पर दूधियानंद रोड पर चल रहे कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि यह काफी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य चल रहा है। यह संत बाहुबली क्षेत्र है। इन कार्यों को एचआरडीए द्वारा कराया जा रहा है। इन कार्यों की काफी समय से डिमांड हो रही थी। मेला अधिकारी के निर्देश पर इन कार्यों को कराया जा रहा है। इनका कहना है कि मार्ग बनवाने के साथ ही इस जगह को भव्य सुंदरता से सजाया जाएगा। लोग यहां आएंगे और ये देखकर उनको काफी अच्छा अनुभव होगा। इसका दूसरा आस्था पथ की तरह ही बनाया जा रहा है। यहां हमारे द्वारा कई सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। इस जगह पर लोग काफी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। हमारे दूधिया बंद रोड है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि संत समाज यहाँ पे सुबह टहलता है और स्नान के लिए भी लोग आते हैं। ये एचआरडीए इस रोड को बना रहा है। बहुत पहले से डिमांड थी और मेला अधिकारी महोदय जो कि वीसी भी हैं एचआरडीए के, उनको जो है अनुरोध किया गया था, तो उनके आदेश के बाद जो है ये रोड का निर्माण किया जा रहा है। और इसके बाद जो है ये पूरे मार्ग पे जो है ब्यूटिफिकेशन कराया जाएगा लोगों के लिए। आवाजाही लोग आएंगे, लोग देखेंगे, एक अच्छा एरिया डेवलप होगा। एक तरह का सेकेंड आस्था पथ जो पहला एक हमारा बन रहा है, आस्था पथ फेज टू की तरह इसको जो है देख सकेंगे लोग। सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि मतलब लोग आएं और इसका जो है प्रकृति का आनंद लें। कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे ही तमाम कार्यों को जल्द पूरा करने का मेला प्रशासन पर भी दबाव है। मेला प्रशासन द्वारा तमाम कार्यों को जल्द पूरा करने के साथ ही कई ऐसी जगह को सुंदर और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है जिससे लोग हरिद्वार आकर यहां का नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। और इसी के तहत आस्था पथ की तर्ज पर ही दूधियानंद रोड और वहां कुंभ कार्यों का निर्माण कराया जा रहा है। हरिद्वार से के न्यूज इंडिया के लिए करण खुराना की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम परिसर के करीब 70 मीटर हिस्से से निर्माण हटाने की योजना है। धाम में मंदिर परिसर और आस्था पथ को मुख्य रूप से आकर्षक बनाया जाएगा। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। 19 अक्टूबर को चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद से ही शासन प्रशासन बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में कई चरणों में कार्य संचालित होंगे। प्रथम चरण में आस्था पथ का निर्माण प्रस्तावित किया गया है और ये शेष क्षेत्र झील से धाम परिसर तक होगा। बद्रीनाथ धाम में करीब 400 होटल व धर्मशालाएं। अगर आप रोडवेज की बस से दिल्ली से देहरादून या दिल्ली से हल्द्वानी आना जाना कर रहे हैं तो जरा समझ जाएं। अब कहीं भी बीच में आप बस से नहीं उतर सकते। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सीधे आईएसबीटी से ही सवारियां बस से चढ़ेंगी और यहीं उतरेंगी। जिला प्रशासन ने आईएसबीटी के स्टेशन मास्टर को ये निर्देश दिए हैं कि जो सवारी दिल्ली से देहरादून तक बस का सफर कर रही है उसे बीच में कहीं भी नहीं उतारा जाए। इसके बजाय उसे सीधे देहरादून की आईएसबीटी पर ही उतारा जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ सवारियों की रैंडम कोरोना एंटीजन जांच करेगी। बाकी यात्रियों का पूरा नाम पता नोट करने के बाद ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। रैंडम जांच शुरू की जा चुकी है। आईएसबीटी के स्टेशन मास्टर की ओर से दिल्ली रूट पर चलने वाले सभी ड्राइवर और कंडक्टरों को भी इस बारे में सूचना दी जा चुकी है। सभी ड्राइवर और कंडक्टरों को बस संचालन के दौरान खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी सवारी को बिना मास्क बस के भीतर कतई एंट्री नहीं दी जाएगी।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रविवार को 74,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 8 संक्रमित मरीजों की मौत हुई, 389 मरीज मिले हैं। देहरादून और पहाड़ी जिले में संक्रमित मामले बढ़े हैं, संक्रमितों की तुलना में कम मरीज ठीक हुए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 5,000 के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को 11,400 सैंपल जांच के निगेटिव मिले। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 146 संक्रमित मरीज देहरादून जिले में मिले, पौड़ी में 57, हरिद्वार में 49, उधमसिंह नगर में 33, टेहरी में 24, चमोली में 21, उत्तरकाशी में 18, चंपावत में 10, रुद्रप्रयाग में 9, पिथौरागढ़ में 7, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 6, बागेश्वर जिले में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक में बने मुलाना पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लगभग 3 माह से पानी की भारी किल्लत छेनी पड़ रही। 10 वर्ष पूर्व लगभग 1,50,00,000 की लागत से बने गेस्ट हाउस में ना तो कहीं साइन बोर्ड है। गेस्ट हाउस में वीआईपी आने पर चौकीदार को बाहर से पानी लाकर व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी की किल्लत को लेकर पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। अभी देखना होगा कि समस्या का कब तक समाधान होगा। से विलम्ब करता हूँ कि यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है 3 दिन से ठप चल रही है, और ये पानी जो हमारे कर्मचारी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे चौकीदार जी हैं, उनको पानी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो हमारे जो गेस्ट हाउस बाहर से आ रहे हैं उनको पानी समय से नहीं मिल पाता है। जो कि हमारे चौकीदार जगजीत कुमार जी हैं, ये पानी की व्यवस्था हैंडपम्प से लाते हैं, बाल्टी हैं, तो उनकी व्यवस्था करवाते हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है। 3 महीना हो चुका है, एक भी बूंद पानी का नहीं। यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब 10 बार विभाग को सूचित किया है, पीडब्ल्यूडी को किया है, इससे कोई अमल नहीं हो रहा है। और हम जो लिखित में दे चुका है कई बार, विधायक जी के माध्यम से बोला है, हमने खुद भी बोला है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। शाम से बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा रहा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। हर साल कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार गंगा स्नान करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, मगर इस बार कोरोना महामारी की वजह से जिला प्रशासन द्वारा कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। बॉर्डर पर ही आने वाले श्रद्धालुओं को रोका जाएगा और हरिद्वार हर की पौड़ी के साथ तमाम गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी डॉक्टर विशाखा का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान को जिला प्रशासन द्वारा स्थगित कर दिया गया है, इसी को देखते हुए हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों को गंगा स्नान करने से रोका जाएगा। बॉर्डर पर भी पुलिस बल तैनात है और वहां पर उन्हें बताया कि स्थान स्थगित किया गया है। हमारे द्वारा हरिद्वार के तमाम घाटों पर पुलिस बल को अलर्ट किया गया है। प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश को हमारे द्वारा पालन किया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। और उसका जो स्नान है ये शासन की तरफ से स्थगित कर दिया गया है। उसी संदर्भ में हर की पौड़ी का जो एरिया है वहाँ पे हमने ड्यूटीज लगा दी है। जो भी लोग बाहर से आएंगे तो उन्हें ये बताया जाएगा कि यहाँ पे स्नान करना स्थगित किया गया है, और उसके संदर्भ में जो भी लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी बॉर्डर्स पे ये बताया जाएगा कि स्नान स्थगित हुआ है, ताकि वहाँ पे कोई भीड़ न करे। इसी के लिए हमने काफ़ी ड्यूटीज भी लगाई है। जितने भी घाट है हरिद्वार में उन सब पे ड्यूटी पॉइंट्स अलर्ट कर दिए गए हैं और वहाँ पे फोर्स जो है डिप्लॉय है, जिस सभी घाटों पे जो है पुलिस बल तैनात है। देखिए, ये आदेश हमें शासन से मिले हैं तो हमें हम उसका अनुपालन करेंगे। हमें ये मैसेज पहले भी बताया गया है हमारे प्रशासन द्वारा कि स्नान ऑलरेडी स्थगित किया गया है, तो इसके लिए तैयारियाँ की गई। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आकर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते थे, मगर इस बार कोरोना महामारी की वजह से जिला प्रशासन द्वारा स्नान को स्थगित कर दिया गया है।
मगर श्रद्धालु घर ही रहकर गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा का काफी बड़ा स्नान होता है। लाखों लोग देश के विभिन्न राज्यों से हरिद्वार माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इस बार शासन और प्रशासन की मजबूरी है। घर में गंगा जल है, वो पानी की बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान करने से उसी फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर सामान्य जल से भी वह गंगा जी का ध्यान करके स्नान करते हैं तो उन्हें कार्तिक पूर्णिमा स्नान के फल की प्राप्ति होगी। इन सभी महानगरों से, इन सभी राज्यों से लोग स्नान करने कार्तिक पूर्णिमा में आते थे, लेकिन सरकार की मजबूरी है, प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है। वो ज्ञात होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को कोरोना हुआ, बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हुए, तो निसंदेह उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया होगा। हमें निर्णय का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल किसी को भी कोरोना हो सकता है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत की बीमारी है, और उस बीमारी से बचने के लिए केवल दूरियां जरूरी है। मैं कहता हूं कि जो लोग कोरोना काल में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के समय, स्नान के दिन हरिद्वार नहीं आ सकते हैं, वो मानसिक स्नान अपने घर में बैठे कर सकते हैं। और अगर उसके घर में गंगा जल है तो अपने बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डालें, 2 ढक्कन गंगा जल डालें, 1 गिलास गंगा जल डालें, 1 लोटा गंगा जल डालें, और गंगा स्नान का महत्व, गंगा स्नान का आनंद वो घर में बैठे ले सकते हैं। तो सामान्य जल से भी स्नान यदि वो करते हैं और गंगा जी का ध्यान करते हैं तो गंगा जी का स्नान का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित कर दिया। इसको लेकर स्थानीय व्यापारी और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, मगर संत समाज शासक और प्रशासन द्वारा दिए गए इस निर्णय का स्वागत कर रहा है। हरिद्वार से के न्यूज इंडिया के लिए करण खुराना की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर। कमला बसंत, अनोखा स्वाद। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।